दोस्तों नमस्कार। ये हमारा सारा सीरीज जो है वो स्त्रियों का चल रहा है, स्त्रियों की प्रॉब्लम्स इन फैमिल्स। अभी जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है थ्रेटेंड एबॉर्शन, गर्भपात का भय या गर्भपात की आशंका। स्त्रियों को गर्भधारण करने के पश्चात कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम गर्भावस्था के कुछ ऐसे कष्टों एवं उनकी औषधियों की जानकारी दे रहे हैं। गर्भपात की आशंका या फिर थ्रेटेंड एबॉर्शन, स्त्री को कमर एवं नाभि के नीचे के दर्द महसूस होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा गर्भाशय के नीचे की ओर आ रहा हो। योनि मार्ग से अत्यधिक रक्तस्राव एवं श्लेष्मा निकलना आरंभ हो जाता है। ऐसे में गर्भपात की आशंका हो जाती है। होम्योपैथी जगत में इसकी चिकित्सा के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ गिने चुने औषधियों के बारे में बात करेंगे। पहली जो औषधि है वो है एकोनाइट। गर्भवती को बुखार हो, प्यास लगती हो, किंतु खुश्की भी महसूस होती हो, मृत्यु का भय सताता हो, बेचैनी और घबराहट होती हो, ऐसे में ये औषधि बहुत ही लाभप्रद है, एकोनाइट। इसकी पोटेंसी जो है वो 12 की पोटेंसी लें और दिन में 4 से 5 बार लेते हैं। वाइबरनम गर्भपात की किसी भी आशंका को रोकने के लिए ये एक बहुत ही सर्वोत्तम औषधि है। इसका प्रयोग 6 प्रेगनेंसी में 2 कप आधे कप पानी में 2 बूंद दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। सबाइना, यदि 3 माह में गर्भपात की आशंका है, पेट के नीचे के भाग में दर्द महसूस हो रहा है, ऐसे में सबाइना औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इससे भी आप 30 की प्रेगनेंसी में या 200 की प्रेगनेंसी में 30 की प्रेगनेंसी में दिन में 4 बार, 200 की प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 बार लेते रहें। सिकेलिकॉर, 3 महीने के गर्भपात की आशंका, रोगी को पतला काला और पानी जैसा स्राव होता हो, रोगी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता हो, किंतु उसके अंदर ही अंदर गर्मी महसूस हो रही हो, ऐसे में सिकेलिकॉर औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी सिपिया। सिपिया को 30 की प्रेगनेंसी में लेके आप काफ़ी हद तक जो है आराम पा सकते हैं। सिपिया 30 की प्रेगनेंसी में दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। इसकी लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। अगर 3रे 4थे 5वें अथवा 6थे मास में ऐसे में ऐसा लगता हो कि गर्भपात की आशंका है, तो इसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। इसमें सिपिया औषधि में रोगिणी जो है काफ़ी उदास महसूस करती है, उसे गर्मी की झलें आती हैं, चेहरे पर पीले पीले दाग नज़र आते हैं। ऐसे रोगिणी को गर्भपात से बचने के लिए सिपिया औषधि बहुत ही लाभकारी है। एपिस मेल्फिका शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन हो आ जाती है, दुखन, डंक लगने जैसा दर्द होता हो, जिनांगों पर इस प्रकार का बोझ जैसे ऋतु होने वाला है, रोगी से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। यदि ऐसा गर्भ के 3रे माह में होता हो तो एपिस मेल्फिका औषधि 30 के पोटेंस में दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो बहनों से अनुरोध है कि वो अपने और भी दोस्तों को भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनी मैन।